और अब खबर पेंड्रा से है, जहां मकान चोरी का एक नया मामला सामने आया है। पेंड्रा जनपद में दो हितग्राही लल्ली रोतेल और उषा रोतेल के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने दो पक्के मकान गायब हो गए। ये कारनामा जनपद के भ्रष्ट अधिकारियों ने कर दिखाया है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत हुए दो आवास जमीन पर बिना बने ही पूर्ण बताकर अधिकारियों ने पैसे आहरित कर लिए हैं और पीड़ित हितग्राहियों ने इसकी शिकायत थाने में की है। मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने कहा कि इस मामले में जो भी अधिकारी व कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। कहाँ बना है, सामने फोटो खींच लिए, आज बनेगा कल बनेगा करके मेरे को बेवकूफ बना दिए। कब से घुमा रहे ना, मैं कब निकाले पैसा, कब कहा किए, सब मैं नहीं जानता। मेरा आवास चोरी हो गया है, यानी हम बोला थी ना कि घर बन गया है तो घर बन गया तो हम उस घर में चल देते हैं, हम ये घर में ना रहते हैं। अभी भाई के घर में है, अब बरसात पानी बरसा तो पानी गुंजा तो हम कहाँ रहते हैं। अभी ये तीन चार महीना के लगभग हो रहे पंच बने हुए, तो इसका जानकारी तो मेरे को नहीं है। लेकिन आप ये सर की हितग्राही बता सकते हैं पिछले कार्यकाल में फोन क्या इनसे किया नहीं। सर ये शिकायत हमको करेंगे तो हम अपने पंचायत में देंगे। हाँ। पंचायत वाले फिर आगे और कहीं करेंगे, आगे शिकायत करेंगे। मुझे आपसे भी जानकारी मिली है, ये संज्ञान में ये बात लाया गया है और मैंने संबंधित अधिकारियों को इसमें परीक्षण करके रिपोर्ट मैंने बुलाया है। अगर ऐसी स्थिति होगी तो एक तो जो हितग्राही है उनको जो आवास मिलना है वो हम सुनिश्चित करेंगे। पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी जो आवासहीन है उसको हम आवाज दिलाए। दूसरा अगर कोई गड़बड़ी में संदिग्ध पाया जाता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई। आवेदक मुंडा रातेल ग्राम पतगावा के तरफ शिकायत आई है कि उसके नाम से, उसके पिताजी के नाम से प्रधानमंत्री आवास का चोरी होने का शिकायत किया गया है। इस पर जांच की जा रही है, प्राथमिक जांच स्तर पर है अभी।